हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर रीडिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। डिजीज से प्रिवेंशन कैसे करते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज, कौन से तरीकों से कौन कौन सी डिजीज फैलती है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज से कैसे बचा सकता है। देखो, पहले तो इसका मोड ऑफ प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन, कि किसी डिजीज से बचने के लिए हम किसी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस था जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफाइन किया था, कि हम एक ऐसी वैक्सीनेशन को हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं जिससे कि हमें डिजीज हो सकती है, लेकिन हमारी बॉडी उसके लिए अपने अंदर अपनी अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। अब जो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है उसे हम किस किस डिजीज से बच सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से, पोलियो से, मम्प्स, नेक्स्ट है यूजिंग मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो वाली मच्छर से होने वाली मच्छर से होने वाली मच्छर से होने वाली डेंगू है, मलेरिया है, डेंगू है, मलेरिया है, ये मच्छर से होती है। इनसे बचने के लिए हम मॉस्किटो नेट का, मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, जैसे मार्केट में काफी सारे ऐसे कुछ मेडिसिन आ गई, ट्यूब आ गए, जिससे कि हम मॉस्किटो से बच सकते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर, कि हम साफ सुथरे पानी का यूज करें और जो वेस्टेज होती है उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करें, उसे हम कोलेरा से बच सकते हैं। मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजन, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, तो उसे रिंग वर्म और एथलीट फुट, रिंग वर्म ये जैसे पेट के कीड़े हो गए, तो ऐसे डिजीज से बचने के लिए हमें अपने जो आसपास का एरिया है, हमारी जो बॉडी है उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, अब एनिमल्स में भी डिजीज हो सकती है, और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है वो। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एनिमल में एनिमल का बीमार होने का कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि रेबीज जो बीमारी एनिमल से फैलती है, कौन कौन से एनिमल से फैलती है, डॉग से आती है रेबीज। उसके बाद जो फुट एंड माउथ डिजीज दैट अफेक्टेड कैटल, फुट और माउथ है ये डिजीज कैटल्स के द्वारा फैलाई जाती है। सच डिजीज में अफेक्टेड डोमेस्टिक एनिमल एंड पेट एंड ह्यूमन बींग कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड। बोल रहा है कि ये डिजीज होती है ये एनिमल्स की कारण फैलती है, कौन कौन से एनिमल कारण, जैसे कोई पालतू पशु हो गया, कोई हम पालतू जानवर